An Academy. Let's crack it. अच्छा जब पापा मम्मी सुने तो सर पापा मम्मी मतलब थोड़े इमोशनल हो गए थे तो वो मोमेंट मेरे लिए मतलब बिल्कुल कैप्चर करने जैसा था मतलब जब मैंने उन्हें बताया और उनकी उनका जो इमोशनल सेंस मतलब मैंने सुना तो वैसे ही उस मतलब उस चीज को फील करने के लिए सर और मेहनत करने का मन करता है बिल्कुल बिल्कुल और मैं इसी के लिए मैं पूछा क्योंकि देखिए तैयारी केवल जो है छात्र नहीं करते जी सर तैयारी साथ में मम्मी पापा भी करते हैं पूरा परिवार हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे अन एकेडमी बीपीएससी एजुकेटर आज आपका परिचय करा रहा हूं बीपीएससी के हमारे टॉप रैंकर आदित्य आनंद जी से आदित्य आनंद जी आपके सामने हैं आइए आदित्य जी और थैंक यू थैंक यू आदित्य जी सबसे पहले मैं अन एकेडमी के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं थैंक यू और आप हमारे अन एकेडमी के लर्नर के रूप में आपने टॉप रैंक अचीव किया है इसके लिए पूरा अन एकेडमी टीम गौरवान्वित है और इसके लिए पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर मैं आपको बधाई देता हूं थैंक यू सो मच सर तो मैं आज अपने छात्रों को आपके पूरी तैयारी के क्रम में विस्तार से आपसे बात करना चाहता हूं कि आपने कैसे शुरुआत करते हुए और ये जो है यहां तक अपना स्थान सुनिश्चित किया और आप हम लोगों को हमारे अन एकेडमी की पूरी टीम को पूरे लर्नर्स को आप पर गर्व है कि आपने जो है सेनेटरी और वास्ट मैनेजमेंट जो बीपीएससी से होता है उसका आपने 11th रैंक प्राप्त किया है तो आदित्य जी सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं कहां से हैं कैसे आपने पढ़ाई शुरू किया स्टार्टिंग से 10th से आपके मम्मी पापा कैसे आपको हेल्प किए थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं सर मैं अगर अपने बारे में कुछ बताऊं तो मैं गया जिला का रहने वाला हूं और मैंने अपनी 10th गया से ही पास आउट किया था 2008 में नाजरत एकेडमी स्कूल से फिर मैंने प्लस टू भी गया से ही किया है क्रेन मेमोरियल हाई स्कूल से आफ्टर दैट उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया बायोटेक्नोलॉजी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल बहुत अच्छा बहुत अच्छा फिर उसके बाद गेट का एग्जाम होता है जिससे कि एमटेक में एडमिशन होता है उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 36 थी जिससे कि मुझे आईआईटी खड़गपुर में जाने का मौका मिला वहां से मैंने एमटेक किया देन आफ्टर दैट मैंने पीएचडी में इनरोल किया आईआईटी बीएचयू में अभी मैं करंटली पीएचडी ही कर रहा हूं वाराणसी आईआईटी बीएचयू अच्छा क्या टॉपिक है आपका क्या पीएचडी का बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जी सर अच्छा अच्छा तो एक्चुअली मेरे प्रिपरेशन की स्टार्टिंग ऐसे हुई क्योंकि जब 2019-20 में जब लॉकडाउन लगा तो 1 से 1.5 साल मैं घर पे बैठा तो उस दौरान मैंने अब सोचा कि अब क्या किया जा सकता है तो मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगा कि घर पे बैठ के टाइम को यूटिलाइज करें और मैंने तभी उसी समय अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लिया और बीपीएससी एंड जेपीएससी की तैयारी मैं कर रहा था तब से तो उस दौरान मैंने फिर तैयारी करते हुए जेपीएससी का प्रीलिम्स भी निकाला यूपीपीसीएस का भी प्रीलिम्स निकाला और तब से मैं अभी भी रेगुलर पढ़ाई के फेज में ही मैं यही देख रहा था बिल्कुल आपने एकदम 360 डिग्री चेंज किया आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और सिविल सेवा में ये बिल्कुल ये इतना बड़ा चेंज कैसे आपने किया सर वही मैं मतलब अब जैसे 1 से 1.5 ईयर में घर पे बैठ के यही सोच रहा था कि मतलब अभी जैसे लैब में जा नहीं पा रहा था अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए तो मैंने सोचा कुछ तो प्रोडक्टिव कर ले तो अब मुझे इस लाइन से बेहतर और कोई लाइन नहीं लगा था मुझे लगा मेरे मम्मी पापा का भी एक्चुअली यही सपना रहा है बिहार में तो सर हर घर में पेरेंट्स का ऑलमोस्ट सपना रहता ही है कि उनके स्टूडेंट उनके बच्चे जो है जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर बने तो मैंने मेरे मम्मी पापा का भी यही ड्रीम रहा है लेकिन वो तो मैं अपने मेरा जो स्ट्रीम रहा है उस दौरान मुझे कभी भी टाइम नहीं मिल पाया तो वो दौरान ऐसा था लॉकडाउन का फेज जब मुझे लगा कि मैं अब इस लाइन में आ सकूं लॉकडाउन ने पूरा आपको बदल दिया और आप जिस लाइन में उतरे बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई और दूसरी चीज की अभी जो आपने
वास्ट एंड सैनिटरी मैनेजमेंट वाला जो ये आपको मिला है, जिसमें आप ऑफिसर में 11th रैंक बीपीएससी में लाए हैं, तो इसमें तो आपका इंजीनियरिंग वाला भी काम बहुत ये जो आपका ये जॉब जो है बिल्कुल इंजीनियरिंग, ये साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ही भरने के लिए था। यस सर, एक्चुअली जब ये फॉर्म निकला था, ये एक्चुअली बीपीएससी ने पहली बार ये निकाला इस फॉर्म को जी, और इसमें मतलब सिविल इंजीनियरिंग बायोटेक सीट भी बहुत कम, 100 के लगभग हमको लगता है, 286 सीट था, 286 हाँ, यस सर, हाँ, तो उसमें मतलब सिविल, बायोटेक, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, केमिकल, जी, ये सब चार पांच ब्रांचेस एलिजिबल थे, और मतलब इसके दो पेपर हुए थे, दोनों ऑब्जेक्टिव थे, और उसके थ्रू इसमें सिलेक्शन हुआ। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया आपने जो है रैंक भी लाया, इतना बढ़िया, और बहुत समय भी कम मिला था, बहुत ज्यादा समय नहीं था, पीटी और मेंस ये सब इसमें सर, मेंस नहीं, नहीं था, तब पीटी एक ही एग्जाम था जिसमें साइंस का भी था, साइंस का था, मतलब एक सब्जेक्ट रिलेटेड था और एक जनरल स्टडीज, एक जीएस पेपर था और एक सब्जेक्ट रिलेटेड, तो सबका अलग अलग था ना, जैसे कि केमिस्ट्री सबका एक ही, नहीं वो उन्होंने बीपीएससी ने एक सिलेबस मेंशन किया हुआ था, वो सारे ब्रांचेस को वही सिलेबस पढ़ना था, सबके लिए एक ही पेपर था, और सबके लिए सभी इसमें ब्रांच आए, केमिस्ट्री वाले भी आए, केमिस्ट्री वाले भी, मेरे भी यहाँ से बहुत केमिस्ट्री के लड़के जो है वो किए थे हम लोग के यहाँ से, और इसमें सारे ब्रांच को मिलाकर 11th रैंक लाना ये तो बहुत अच्छा है। मतलब ये थोड़ा सा आपका मैं फेमिलियर बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कि मम्मी पापा की क्या इच्छा थी, पापा क्या करते हैं? पापा सर मेरे डीएम ऑफिस गया में अकाउंटेंट है, जी जी, और मम्मी होम मेकर है, जी जी, और मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरी छोटी बहन है जी, जो कि अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है दिल्ली से। आप बड़े हैं? नहीं सर, मेरे बड़े भैया भी हैं, बड़े भैया अभी बैंक में जॉब करते हैं, अच्छा, एसबीआई में है, वाराणसी में, हाँ हाँ, और मेरी छोटी बहन जेएनयू से मास्टर्स की है, बहुत, और अभी यूपीएससी की फिलहाल, बहुत आपके पापा और मम्मी ने बहुत मतलब अच्छा एक संस्कार दिया और एक अच्छा मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग चले। तो फिर आप लॉकडाउन का फायदा उठाए, यस, और लॉकडाउन में फायदा उठा करके आ गए बीपीएससी तरफ, और अभी और वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, अभी मैंने मेरा बीपीएससी 68 का मैंने पीटी दिया था, तो मेरा क्लियर हो गया, मैंने मेंस भी दिया है, और अभी उसका रिजल्ट अवेटेड है। ओ, बीपीएससी 68 दिया है? 68 मेंस मैंने दिया है। अच्छा अच्छा, यस सर, तो कैसा गया है वो? सर अच्छा गया है। 68th मेंस जो है आपका, यस, उसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? जूलॉजी, जूलॉजी लिया है सर। जूलॉजी है? यस सर। तो अब तो सब्जेक्ट का कोई ये नहीं था, ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया है और क्वालिफाइंग हो गया है। ये जीएस कैसा गया आपका? जीएस 1 सर ठीक ठाक गया, एक्चुअली इस बार से अचानक से पैटर्न चेंज हुआ, पैटर्न पूरा एकदम बदल गया, पूरा ही बदल गया, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ गए, तो हर हर मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में तीनों में मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी ऐड किए गए। वो मैं पूछूंगा आपसे कि जो चेंज पैटर्न है, क्योंकि कई बच्चों ने मैसेज किया है हमको कि आदित्य आनंद जी से पूछिएगा कि जो चेंज हुआ है पैटर्न का, एक उसके लिए हम लोग कैसे रणनीति चेंज करेंगे, वो मैं बाद में पूछूंगा, वो मैं बाद में पूछूंगा। अभी जो है आपको कैसा लगा जब आप रिजल्ट सुने? सर बहुत अच्छा लगा मुझे तो, आज के इस बेरोजगारी के दौर में, और जब आप सुने कि आप 11th रैंक प्राप्त किए, मतलब इतना मुझे उम्मीद नहीं था, मुझे ये पता था कि मेरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने आंसर किसे मैच किया था तो मेरे ठीक ठाक सवाल सही हो गए थे, तो जब फाइनल जब मेरिट में 11th रैंक देखना मेरे लिए भी मतलब सरप्राइज। कैसे पता चला आपको कि रिजल्ट आया? सर वो तो बीपीएससी, हम लोग एक्चुअली ये इसका रिजल्ट और पहले आ जाना चाहिए था, पर काफी थोड़ा डिले होकर के मार्च एंड में फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आया था, और मेरिट लिस्ट फिर 6 जून को आया। तो रिजल्ट जब आया आप कहाँ थे? सर अपने कॉलेज में ही था मैं। कॉलेज माने गया नहीं थे ना? नहीं सर, वाराणसी में। वाराणसी में थे? अच्छा, जब पापा मम्मी सुने थे? सर पापा मम्मी मतलब थोड़े इमोशनल हो गए थे, वो मोमेंट मेरे लिए मतलब बिल्कुल कैप्चर करने जैसा था, मतलब जब मैंने उन्हें बताया और उनका जो इमोशनल सेंस मतलब मैंने सुना, तो वैसे उस मतलब उस चीज को फील करने के लिए सर और मेहनत करने का मन करता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसी के लिए मैं पूछा, क्योंकि देखिए तैयारी केवल जो है छात्र नहीं करते जी सर, तैयारी साथ में मम्मी पापा भी करते हैं, पूरा परिवार जो है वो लगा रहता है। अगर आप तैयारी आगे कर रहे हैं तो पूरे परिवार का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है तैयारी के दौर में। बिल्कुल, तो आपको परिवार का सपोर्ट कैसा सर? बिल्कुल पूरी तरह से था, मतलब मम्मी पापा ने मुझे कभी भी मतलब
मतलब मैं तो हायर एजुकेशन में ही था, बीटेक एमटेक प्लस पीएचडी, तो उनके तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि जल्दी जॉब लेना है। मतलब वो बोलते, वो यही मतलब हमेशा से मुझे मोटिवेट करते थे कि जो भी करना मतलब अच्छे से करो, पूरा फुल्ली फोकस हो करके। फेलोशिप मिलता है क्या आपको? हां सर, फेलोशिप भी मिलता है। बीएचयू से? हां मिलता है। मिलता है ना? हां सर। तो आपको तो इकोनॉमिक भी कोई परेशानी इकोनॉमिकली नहीं थी? मेरा नेट जेआरएफ भी क्लियर है तो इसीलिए मुझे मिलता है। और गेट तो जेआरएफ से मिलता है कि इससे मिलता है? गेट के थ्रू सर, मेरा गेट एक्टिवेटेड। हां यस सर। तब तो आपको इसका भी कोई दिक्कत नहीं था? नहीं सर। वहां भी सुरक्षित थे आप? आपको खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। हां हां। और पाने के लिए पूरा चीज? ठीक है, बिल्कुल। तो पापा से आप पहली बार मिले रिजल्ट के बाद, तो कैसा लगा? सर मतलब पापा से फिर एक महीना बाद मैं मिला हूँ, तो पापा बहुत ही खुश थे सर। मतलब मम्मी पापा सब पूरा मेरे पूरे पेरेंट्स खुश हैं मतलब इस सफलता से। और वो मतलब अब यही चाहते हैं कि मैं इससे भी और हायर पोस्ट लूँ। बिल्कुल। सीसी मतलब सीसी बीपीएससी सीसीए के थ्रू, और मतलब एसडीएम या डीएसपी अनएकेडमी के एजुकेटर के नाते, अनएकेडमी टीम के नाते हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट और ऊपर अचीव कीजिए। और मैं एसडीएम के रूप में या डीएसपी के रूप में आपका यहीं पर फिर जो है अगला आपका साक्षात्कार लूं। ठीक है, तो मैं भी चाहता हूं कि, और पूरी हमारी टीम चाहती है। अच्छा, तो आप जब लॉकडाउन के क्रम में अनएकेडमी से जुड़े है ना, तो आप तो पहले बहुत ज्यादा जीएस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, एक्चुअली सर वो मेरे लिए पूरा मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। तो मैंने जब सब्सक्रिप्शन लिया तो मतलब पहले तो मैं पूरे वीडियोस लेक्चर देखा, हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, हिस्ट्री पॉलिटी दो दो सब्जेक्ट ले करके मैं कवर करता था। जैसे पहले अगर पॉलिटी और इकोनॉमी मैंने पूरा खत्म किया, फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा खत्म किया, और जब मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए और नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिया, तब मुझे फिर पीटी में मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। जब मैंने जेपीएससी फिर दिया तो मुझे लगा कि पीटी निकाला जा सकता है। तो अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन आप कैसे सोचे कि अनएकेडमी का हम सब्सक्रिप्शन लें? सर उस समय तो, उसी समय तो ऑनलाइन रेवोल्यूशन है। हाँ, तो अनएकेडमी मतलब कैसे? अनएकेडमी मुझे इसलिए सर अच्छा लगा क्योंकि इस पे सर अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नंबर ऑफ आपके पास एजुकेटर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो मतलब बहुत ज्यादा, और अनलिमिटेड चॉइसेस बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे। तो मतलब अगर एक हिस्ट्री मुझे पढ़ना है तो मैं, मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, बिल्कुल टीचर्स के, कि मैं इनसे नहीं पढ़ के इनसे पढ़ सकता हूँ। ज्योग्राफी में भी सब सारे सब्जेक्ट में मेरे पास चॉइसेस ज्यादा है, बिल्कुल, और प्लस किसी भी टाइम पे क्लासेस कर सकते हैं, लाइव अगर नहीं आ पाए तो रिकॉर्डेड कर सकते हैं। तो ये सब मुझे काफी, उस समय मुझे अनएकेडमी से अच्छा मुझे कोई नहीं लगा था। चलिए, धन्यवाद आपको कि आपने अनएकेडमी को चुना और आप सफल भी हुए, और वो भी मतलब ग्रैंड सक्सेस जिसको कहेंगे, ग्रैंड सक्सेस आपका हुआ। लेकिन आपने शुरुआत कैसे की? शुरुआत में कैसे आप जब सोचे पहली बार कि पीसीएस में हमको जाना है या सिविल सेवा में जाना है, तो आपने क्या रणनीति बनाई शुरुआत? शुरुआत में सर मैंने मतलब कुछ बीपीएससी के टीचर्स थे उनसे गाइडलाइंस लिया कि मतलब कैसे, तो वो क्लास में जैसे आप लोग बताते हैं सर कि मतलब स्टार्टिंग कैसे किया जाए। जी, तो मतलब अब जैसे मेरा बैकग्राउंड तो था नहीं, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मुझे फिर से स्कूल टाइम में रिविजिट करना पड़ा, मुझे फिर से वो सारे जो बचपन के जो सब्जेक्ट पढ़ते थे, जी जी जी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। हिस्ट्री कैसा लगता था आपको? हिस्ट्री सर मुझे थोड़ा उतना इंटरेस्ट नहीं आता था, मुझे पॉलिटी से मैंने शुरुआत की और मुझे पॉलिटी बहुत पसंद आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपने शुरुआत के लिए बहुत अच्छा चीज चुना, क्योंकि मजा आता है पढ़ने में। एग्जैक्टली, तो मैंने पॉलिटी से ही, और जितना डूबिएगा उतना ज्यादा मजा। एग्जैक्टली यस सर, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगे, आर्टिकल समझने लगे, तो बहुत उसमें इंटरेस्ट आने लगा, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा आया होगा कि अब हम जब पॉलिटी को भी कर सकते हैं तो और भी मतलब कर सकते। बिल्कुल सर, तो पॉलिटी के साथ साथ फिर मैंने ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत, तो वो ये दोनों जब सब्जेक्ट पढ़ लिए तो मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकता हूं, लगभग लगभग काम हो रहा है। यस एग्जैक्टली, काम हो सकता है। तो फिर मैंने फिर सब सब्जेक्ट को पढ़ा, और मैं वीडियो लेक्चर्स में काफी रिलाई करता था उस पे, मतलब बहुत बार देखता था, दो तीन बार तो मैं देखता था। तो और लॉकडाउन के फेज में मतलब सर मेरा सीटिंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। ये बहुत बड़ी चीज है। यस सर, उसका लॉकडाउन वाला एक ऐसा फेज था ना जिसने लाभ उसका उठाया, जैसे ये बहुत बड़ी चीज है कि आपने लॉकडाउन का लाभ उठाया और उसका रिजल्ट आपके सामने है ना, सबके सामने है, आपके सामने नहीं सबके सामने। तो जो लॉकडाउन पर है ना, जो इसको लॉक कर लिया और जो इसको खोल दिया और अपने को लॉक कर लिया,
नहीं सर, जो ऐसे तो मतलब लॉकडाउन बाकी सबके लिए तो सर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा है, बहुत ज्यादा कोविड उस समय के बहुत ज्यादा रहा, और वो तो बहुत मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, माने एकदम अनएक्सपेक्टेड एकदम ये घर से निकलने में डर लगता था, और फिर भी वो मतलब उस दौर को, लेकिन जिससे स्टूडेंट ने उस दौर को समझा, और एक स्टूडेंट के लिए मैं समझता हूँ सर वो फेज, हाँ स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा, मतलब जिसने अच्छे से यूटिलाइज किया है उसके लिए बहुत, और आप उसके तो उदाहरण है। तो आपने शुरुआत कैसे, एनसीईआरटी बुक भी लिया? एनसीईआरटी तो नहीं सर, स्टार्टिंग में मैं मतलब वीडियो से ही पढ़ा, और मैंने मतलब मुझे एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्ट वीडियो से ही, मैं बुक्स भी पढ़ा हूँ लेकिन मतलब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मतलब वीडियो से ही पढ़ने में आता है। तो उस समय भी मैं मतलब अनअकैडमी पे मतलब एक एक वीडियो में देखा हूँ सारे सब्जेक्ट्स के, और फिर मैं मतलब पहले तो क्योंकि मैं अगर बुक से पढ़ूंगा तो उतना कुछ समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो जिस हिसाब से टीचर्स पढ़ा रहे थे तो उस हिसाब से मैं वैसे वैसे बुक्स भी पढ़ने लगा, फिर तब मुझे बुक्स पढ़ने में मतलब समझ में आने लगा। नहीं, अब, पढ़ने का यही तरीका भी है, एक बार पढ़ लीजिए उसके बाद फिर अगर बुक्स को आप निकालते हैं तो आप उसके हर चीज को समझ जाएंगे। और अनअकैडमी में ये एक, चाहे ऑनलाइन में ये एक फैसिलिटी है कि जैसे क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, ऑफलाइन में अगर आपका क्लास छूट गया तो आप नोट्स लिख लेंगे, नोट्स लिख लेंगे, लेकिन वो वाला कंसेप्ट तो कंसेप्ट नहीं मिलेगा जो क्लास लेक्चर आप सुनते हैं। और ऑनलाइन में और खास करके अनअकैडमी में जो ये रिकॉर्डिंग सिस्टम और इसके ऐप का जो ये इसका ऐप बहुत सुंदर है, और उस तरह से मैंने बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, स्टूडेंट फ्रेंडली, तो आपको बहुत हेल्प किया। तो फिर आपने जो है हिस्ट्री वगैरह कैसे देखा? हिस्ट्री वगैरह की सर मैंने क्लासेस की थी, अभय सर की और ज्ञान सर की थी, तो उनके थ्रू मतलब हिस्ट्री का मुझे मार्गदर्शन मिला। फिर ज्योग्राफी भी मैंने अभिनव सोनू सर के द्वारा पढ़ाई किया था। फिर साइंस मेरा चूंकि खुद का बैकग्राउंड है तो साइंस में मुझे उतनी प्रॉब्लम हुई नहीं जी। और पॉलिटी वगैरह सर मैंने ऐसे ही खुद से मतलब पॉलिटी भी मैंने पढ़ाया टीचर से, और फिर मतलब उसके बाद जब लक्ष्मीकांत पढ़ने लगे तो पूरे अच्छे से समझ में आने लगा जी, जी। तो जो बेसिक बुक्स जो लोग पढ़ते हैं वही मैंने भी पढ़ा है सर, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम जी, ये सब मैंने पढ़ा है। और ज्योग्राफी मैंने पूरी तरह से वीडियो लेक्चर्स पे ही रिलाई किया, और मैपिंग वगैरह सब उसके थ्रू जो जैसे जैसे टीचर्स एक्सप्लेन करते थे वैसे वैसे करते थे। तो मतलब अनअकैडमी से जो आप चाहते थे वो पूरा हुआ। एग्जैक्टली, है ना। तो आप सबसे पहले अनअकैडमी पर आए थे किस एग्जाम के लिए, 67 के लिए कि 68 के लिए? सर पहले तो मैंने जेपीएससी का लिया था। अच्छा, जेपीएससी का जब चलता था, जेपीएससी उस समय, हाँ जेपीएससी कैटेगरी हमारे यहाँ जो उस समय मैंने वो लिया था। पहले जेपीएससी में ही आप सब्सक्रिप्शन लिए? जेपीएससी में सब्सक्रिप्शन लिए थे, फिर बीपीएससी का लिए। अच्छा, बीपीएससी प्लस यूपीपीसीएस कॉम्बो मैंने लिया। हाँ कॉम्बो एक आया था उस समय, कॉम्बो भी आया था सर, तो जेपीएससी का लिए, फिर दोनों का मैं बिहार और यूपी दोनों का पैरेलली पढ़ाई कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वो कॉम्बो वाला आया था, बड़ा फायदा किया था वो कॉम्बो वाला, दोनों के जो है एजुकेटर मतलब यूपीपीएससी के और बीपीएससी के दोनों में आप क्लास कर, दोनों में कर। मेरे क्लास में कभी घूमते घूमते नहीं आए थे सर? आए थे कई बार आपके सर, अभी दो तीन दिन से आपके सर जो सुबह वाला करंट अफेयर्स होता है वो भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा मतलब उसमें करंट अफेयर्स भी एक्चुअली 69 बीपीएससी के लिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ जी जी, तो काफी हेल्पफुल होता है करंट अफेयर्स। तो ये मतलब जो करंट अफेयर्स है ना, ये मैं पहली बार शुरू किया कि करंट अफेयर्स मेन तैयार करना चाहिए प्राइमरी सोर्सेज जी सर, सबसे बढ़िया होता है प्राइमरी सोर्सेज, क्योंकि सेकेंडरी सोर्सेज जो लोग उसको मतलब ये करते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी चीज को आवश्यक समझते हैं, शायद वो अनावश्यक हो, और जो अनावश्यक समझते हैं वही आवश्यक हो। और प्राइमरी सोर्सेज से अगर लेते हैं, तो मैं बहुत दिन से बच्चों का डिमांड था कि प्राइमरी सोर्सेज से जो है करें, तो मैं न्यूज़पेपर से एकदम उस दिन के न्यूज़पेपर से सुबह सुबह सबसे पहले वो प्राइमरी सोर्सेज से मैंने देना शुरू किया, और बहुत बच्चे अब करेंट पढ़ना सीख रहे हैं। yes. करेंट पढ़ना सीख रहे हैं। तो आपके तैयारी के क्रम में आदित्य आनंद जी, कभी झुंझलाहट नहीं हुई? सर कई कई बार होता था मतलब, क्योंकि ये तैयारी ऐसा है ना, कई बार मन करता है क्या कर रहे हैं सब इतना, तो ऐसा लगा कभी? सर कभी कभी मुझे लगता था, क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा था और मतलब जब जेपीएससी का पीटी दिया, मेंस दिया, पर मेंस में कुछ नंबर से मैं रह गया, फिर यूपीपीसीएस का भी प्री दिया 2022 का दिया, उसमें मेंस भी दिया,
पर उसमें भी फिर नहीं हुआ। तो इस तरीके से मतलब फेलियर से मुझे कभी कभी लगता था कि मतलब मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। पीएचडी भी सर दोनों में टाइम मैनेजमेंट कर पाने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि साथ में रिसर्च भी है और इधर भी तैयारी भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी सर मैं मुझे इतना इंटरेस्ट ही आ गया था ना इस लाइन में। गाइड हेल्प कर रहे थे सर, गाइड भी काफी मतलब मेरे सपोर्टिव है। अच्छा, तो मतलब वो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे। बहुत बढ़िया है ये तो, बहुत आप मतलब इस मामले में बहुत लकी हैं कि गाइड आपको छोड़ दे रहे थे थोड़े दिन के लिए कि आप जो है तैयारी करें। मतलब मैं दोनों चीजें मैनेज कर रहा था। हम लोग के तो गाइड जो है, मैं पीएचडी, हम लोग के गाइड एकदम कसे रहते थे, है ना। तो आपके तो ये, तो आपको जब कभी कभी आप निराश होते थे तो किसका सपोर्ट मिलता था? परिवार का सपोर्ट मिलता था, दोस्तों का सपोर्ट मिलता था, या खुद ही आप एडजस्ट कर जाते? सर मैं तो खुद ही मोटिवेटेड रहने के का मतलब मैं ट्राई करता रहा हूँ हमेशा से। और मतलब बच्चों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो तैयारी होती है, जैसे छोटा मोटा ग्रुप सी या आप कुछ भी करते हैं तो उसमें जल्दी रिजल्ट आ जाता है, या उस इसमें बहुत ज्यादा जो है वो संघर्ष होता है। और वास्तव में आप जब पदाधिकारी बनते हैं तो पदाधिकारी बनने में यही सबसे बड़ा काम करता है कि जितना आप संघर्ष को झेलते हैं वहां पर जाकर के वही काम देता है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है आगे बढ़े। तो बीपीएससी जब 68वीं दिए है ना, तो पीटी कैसा रहा? सर पीटी तो मतलब पीटी में भी तो अचानक से इस बार चेंज हुआ, माइनस मार्किंग आया, माइनस नेगेटिव मार्किंग आया, प्लस आपके 100 सवाल ऐसे थे जो कि पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। हाँ, पूरे जो बीपीएससी 67 तक पूरा फैक्ट बेसिस पे रहता था, मतलब वो अचानक से चेंज हो गया था। तो मतलब ये मैं ऐसा ही पैटर्न चाहता भी था, क्योंकि किसी भी तैयारी करने वाले के लिए सिविल सर्विसेज के लिए यही पैटर्न, क्योंकि मैं नहीं चाहता सर सर कि मतलब जो फैक्ट मोड में जैसे जो लूसेंट वगैरह पढ़ लेते हैं पहले, वो लोग मतलब काफी लूसेंट ही पढ़ने से बीपीएससी निकल जा रहा था। तो फिर उतना इतना मेहनत करने का था ना आदित्य जी, जैसे बीपीएससी में इसके पहले 68वीं के पहले होता क्या था कि जो लड़के रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या और जनरल तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लड़कों का मेंस तैयार नहीं रहता जी सर। लेकिन पीटी में उन लड़कों को बाहर कर देते हैं जिनका मेंस तैयार रहता है, मेंस तैयार रहता है, है ना। ये बहुत बड़ी चीज थी और ये हम लोग के समय में भी चलता था ऐसे। हम लोग के समय में भी ऐसा होता था कि 14,000 पीटी का रिजल्ट आया और पता चलता है कि मेंस, वो लोग मेंस नहीं दे पाते थे, पता चला कि मेंस लास्ट क्लास तक जो है वो 5,000-6,000 लड़के दे रहे हैं और लोग मेंस छोड़ दे रहे हैं। तो ये तो मतलब जो लड़के मेंस की तैयारी करके बैठे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है वो ये था। हाँ, और 68वीं होने से बहुत राहत। तो इसी बीच में फिर वो आ गया सेनेटरी एंड वास्ट मैनेजमेंट। वो उससे पहले हो, पहले नवंबर में एग्जाम, हाँ नवंबर में एग्जाम होगा, इसका फरवरी में एग्जाम होगा, फरवरी में पहले तो, वेस्ट मैनेजमेंट का हो गया नवंबर में, उसके बाद फिर मैं इसमें लग गया था। हाँ, पूरी तरह से फिर इसमें लग गया। यस सर, पूरी तो तरह से। पूरी तरह से पहले मतलब आप पीटी और मेंस दोनों का कैसे एडजस्ट? तो सर पीटी एक्चुअली मैंने मतलब 2-3 बार से तो मैं दे ही रहा हूँ एग्जाम। तो मतलब मुझे बस रिवीजन ही करना रहता है क्योंकि मेरे पास नोट्स वगैरह प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी। अच्छा, तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, एक एनुअल मैगजीन लेता था। एनुअल में मैगजीन ले लेता था। दो मंथली नहीं लेते थे? मंथली नहीं सर, मैंने दो अलग अलग सोर्सेस के मैंने लिए। अच्छा, तो एडुटेरिया और स्पीडी का मैंने ले लिया था और उसी से। तो एडुटेरिया और स्पीडी का करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स बिहार और नेशनल दोनों लेता था। अच्छा सर, तो उसका मैंने करंट के लिए उससे पढ़ाई कर लेता हूँ, मतलब क्योंकि अब मेरे पास नोट्स तो हैं ही, तो उससे रिवीजन मेरा चलता रहता है। और बाकी चेंजेस सिर्फ करंट अफेयर्स में ही आते हैं, तो लास्ट 1 ईयर का मैं उससे कर लेता हूँ। तो पीटी के लिए बेसिक आपका तैयार हो गया। आपने जैसा कि कहा कि पीटी में जो है वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब अनएकेडमी से तैयार हो गया। साइंस आपका था ही? अच्छा, और साइंस हमेशा 30 क्वेश्चन 150 में रहता है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल, 30 क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स है साइंस, जनरल साइंस के लिए। तो ये जनरल साइंस आपका तैयार था ही, उसके बाद ये जो है आपको एसएसटी वाला सारा पोर्शन तैयार कर लिए।
उसके बाद ये चेंज हुआ 68वीं में, और 68वीं में चेंज उसमें कितना आपका जो वास्ट टाइम सैनिटरी मैनेजमेंट का जो पीटी था, वो जो एग्जाम था जीएस का, उसमें कितना सवाल था? उसमें सर एक्चुअली 125 क्वेश्चन दोनों पेपर में थे, 125 पेपर वन में, 125 पेपर टू में। अच्छा। और पहले पेपर में तो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स और साइंस ही पूछा गया था, प्लस इंजीनियरिंग के टाइप से एनवायरनमेंट वगैरह के सवाल थे। मतलब जीएस में वो जैसा मोड होता है उस तरह का ही सवाल दिया जाता है। उस तरह का ही था। तो मतलब वो जो करंट अफेयर जो जो साइंस मैंने इस एग्जाम के लिए तैयारी किया ना, तो वो मुझे 68 में काफी हेल्प मिल गया। बहुत बढ़िया। वो पूरा एक पोर्शन है तैयार हो गया, एक पोर्शन तैयार तुरंत नवंबर के बाद फरवरी में, शायद 12 फरवरी को एग्जाम। हां हां, तो ये तो मैंने आम के आम गुठली का दाम दोनों में फायदा कर दिया। नहीं, उसके बाद पीटी हो गया आपका वहां पर। हाँ, तो मतलब जब पीटी का जब मैंने आंसर की से मैच किया, तो मतलब मेरे 98 क्वेश्चंस अराउंड सही थे। हाँ। और कट ऑफ सर 91 गया था, तो मैं मतलब रिलैक्स था कि मतलब मेरे, मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं आपके अभी वाले पर, 11th रैंक वाले पर। वो तो 68वीं के लिए और आगे भी वो चलता रहेगा। ये जो आप अभी किए वास्ट एंड सैनिटरी मैनेजमेंट, या जो ये अभी आपका जो 11th रैंक आया, तो इसमें दो पेपर था, दो पेपर था, एक जीएस का पेपर था, एक आपके वो ट्रेड वाला सब मिला करके था, यही ना? हाँ। केमिस्ट्री वगैरह से भी था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ हाँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और अभी जो है आप देख ही रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट पर एनजीटी ने 4,000 करोड़ का जो है ठोका है फाइन, है ना, बिहार पर। तो ये तो इसके लिए अब बड़ा अच्छा हो रहा है कि अब आप लोगों की नियुक्ति हो रही है, और आप लोग अब ये नया नया क्षेत्र खुल रहा है, नहीं ये सब पहले नहीं होता था। तो आप आए तो आप यहाँ एक 125 प्रश्न था, दूसरा पेपर में भी 125 प्रश्न था, तो फर्स्ट और दोनों ये मिला करके सिलेक्शन होना था, दोनों मिलाकर, क्योंकि पीटी था नहीं, नहीं ये तो मेंस यही नहीं था। हाँ, मेंस नहीं था, मतलब यही पीटी का, जब पीटी नहीं था तो मेंसो नहीं था, ये जो फाइनल था, ये फाइनल, उसके बाद इंटरव्यू ही था? नहीं सर, इंटरव्यू फाइनल था, यही फाइनल, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, तो बड़ा ये मतलब मैं लकी रहा हूँ। हाँ, कि मतलब ये एग्जाम पहली बार आया है। हाँ, और मतलब मेरा इसमें ऐसा ऐसा जानते हैं कभी। हाँ, कभी बड़ा मतलब अच्छा हो जाता है। एक बार और बहुत पहले निकला हुआ था कि जितने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनको जो है सिटी मैनेजर या सिटी एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाए, कभी कभी ऐसा बिहार में आते रहता है। एक बार और आया था इकोनॉमिक्स वाले जितने हैं उनको जो है इसमें, तो ये तो बहुत बढ़िया आपको मौका मिला। तो इसमें इंटरव्यू तो था नहीं, कोई फेरा नहीं था, तो आपको आपने दिया फर्स्ट पेपर जीएस, संतुष्ट रहे क्योंकि उसमें करंट और साइंस से ज्यादा था, ठीक है ना? तो आप फर्स्ट पेपर से पूरी जीएस पेपर से, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था, मैं तो सोच के गया था कि जीएस में सब कुछ आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर देखा तो सिर्फ और सिर्फ साइंस और सिर्फ करंट अफेयर, जो आपका बेस्ट पोर्शन था वही आया, वही मतलब आ गया। क्या बात है, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक हम लोग के यहाँ कहावत है ना, जौन रोगिया चाहे तोने पैदा बतावे। तो ये तो बहुत अच्छा रहा। सेकंड पेपर आपका कैसा रहा? सेकंड पेपर भी ठीक रहा था सर, उसके लिए मतलब मैंने ये एग्जाम पहली बार था। हाँ, पहली बार मतलब था। मार्केट से कोई मार्केट में उसका कोई सपोर्ट कोई नहीं था, कुछ था ही नहीं, कैसा आएगा पेपर, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, अंधेरे में तीर चलाना था। तो एक्चुअली आईआईटी में सिविल इंजीनियरिंग का ये सब का कोर्स होता है। हाँ। जो सिविल वाले बच्चे जो होते हैं वो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट पढ़ते हैं। अच्छा। बायोटेक में जैसे हम लोग हैं वो हम लोग हैजार्डस वेस्ट पढ़ते हैं। हाँ। और बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ते हैं। जी, जी। तो दो टॉपिक हमारे ब्रांच से रिलेटेड था। अच्छा, अच्छा। तो कुछ टॉपिक केमिकल जैसे सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट ये सब सिविल और केमिकल वाले पढ़ते हैं इंजीनियरिंग। जी जी। तो मैंने आईआईटी का एक एनपीटीएल का वेबसाइट होता है, तो उसी के थ्रू मैंने इस सब्जेक्ट की तैयारी कर ली थी। तो फर्स्ट पेपर तो अन अकेडमी के थ्रू और सेकंड पेपर आईआईटी के मतलब प्रोफेसर वही पढ़ाते हैं। तो उनके उसके तो नेट से आपको वो सारा मटेरियल मिल गया, मटेरियल मिल गया। अच्छा, आजकल लेकिन नेट जो है बड़ा काम का चीज हो गया, नहीं? यस सर, बिल्कुल। पहले आज जब से सर लॉकडाउन लगा है ना, तो जब से ये ऑनलाइन मीडियम में एजुकेशन स्टार्ट हुआ है, काफी मतलब अच्छा है। मतलब घर बैठे अगर अच्छे से अगर किसी को तैयारी करना है तो ऑनलाइन बहुत अच्छा, अच्छा। जैसे आप देखे होंगे अनअकैडमी का भी यूट्यूब चैनल जो है बहुत मतलब इसमें बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आप कर सकते हैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हैं। तो आप एग्जाम दिए तो आपको क्या लगा यहाँ पर? सर मतलब ये पहली बार एग्जाम ऐसा दिया था कि मतलब एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद मुझे अंदर से फील हो रहा था कि मतलब मेरा हो सकता है, कि अंदर से लग रहा था कि यार
लग रहा था कि अब सेट हो गया। कोई भी मतलब मैं समझता हूँ कि जो लोग भी एग्जाम देते हैं उन्हें एग्जाम सेंटर पे देने के जस्ट पास से एक फील हो जाता होगा कि एकदम मतलब अंतरात्मा बोल देती है रिजल्ट आए ना तो लगता है कि मेरा हुआ इसमें नहीं एग्जाम जो देने के बाद ही हो गया है ना एग्जाम बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये कई बार जैसे ये हुआ है हम भी देखे हैं कि जैसे हम लोग के टाइम में वो होता था ये यूजीसी वाला नेट जेआरएफ वाला दिया तो लगा कि हाँ जेआरएफ मेरा हो जाएगा वो हम लोग के समय तो बहुत कम होता था जेआरएफ अब तो बढ़ गया है और उस समय बहुत कम तो ये एकदम फीलिंग्स तो वहां लग गया आपको तो आपने किसी को बताया भाई क्या सर मैं तो नहीं सर फिलहाल तो उस समय तो मैं नहीं बताता था मतलब वेट कर रहा था कि बस रिजल्ट आए अच्छा कब रिजल्ट आएगा आंसर की इसके मैं वेट कर रहा था क्योंकि अब से बीपीएससी ने कर दिया है 2-3 बार रिवाइज करते रहते हैं आंसर की तो एक बार आंसर की आया उसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए फिर कुछ और क्वेश्चन डिलीट हो गए तो ऐसे ऐसे करके वो ये भी पेशेंस लेवल बीपीएस धड़काते रहता है कि कब बाउंड्री पर से इधर उधर लेकिन ये है कि जो लड़के अच्छे होते हैं मैं देखा वो बाउंड्री से बहुत अंदर रहते हैं उनका कोई असर पड़ने वाला उन पर नहीं होता है इससे वहाँ यूपीएससी जब हम ही लोग देते थे तो यूपीएससी लॉन्च हुआ था ऐसे पहली बार और हम लोग के समय में जो ऐसे लॉन्च हुआ था एक ऐसे होता था 300 मार्क्स का और 1000 वर्ड में लिखना होता था मतलब पूरी अगर लिखते जाइए 1000 वर्ड में लिखना समझ रहे हैं टाइम लिमिट के अंदर और टाइम लिमिट का हो तो 1000 लिखते जाइए बुझाएंगे तो जो जिसके पास नहीं रहेगा पूरा मेटेरियल तो लिखेगा क्या वो ठीक है बाद में उसको फिर 2 कर दिया अभी भी शायद 2 ही है क्या तीन पोर्शन हो गया एक तो ये तो 100 मार्क्स प्रैक्टिस मेरे समझ से तो बहुत जरूरी है बहुत जरूरी क्योंकि तीनों में मतलब इक्वल टाइम देना पड़ेगा तीनों में इक्वल टाइम देना होगा और ये 300 मार्क्स 300 नंबर का यही मेरे ख्याल से सर डिसाइडिंग एकदम डिसाइड क्योंकि GS1 और GS2 तो ऑलमोस्ट सबके सब लोग पढ़ के ही जाएंगे और मतलब सबके ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम मार्क्स रहेंगे लेकिन जिसने एसए में सर अच्छा लिखा है वही मतलब तो अब हम आपसे फिर जो है वो आएंगे कि बच्चों के लिए आप जो है जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम लोग फिर आप क्या सलाह देते हैं उनको तो ये जो अभी आपका जॉब मिला है ना तो अब मन नहीं करता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जाएं कि इसको करें क्या नहीं सर मैं तो बिल्कुल ज्वाइन करने के मूड में हूँ क्योंकि मतलब मेरा तो बीच में जब तैयारी करने लगा था तो मुझे अंदर से फील होने लगा था कि सर कि मतलब अब इसी लाइन में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा ना ठीक मतलब पीसीएस के लाइन में ही आगे बढ़ना चाहूंगा तो इसीलिए मतलब मैं तो काफी खुश हूँ कि मतलब मुझे इसमें अब तो इंजीनियरिंग से इधर आकर के खुश हैं सर एक्चुअली मैं पीएचडी कर रहा था तो उसके बाद मैं उसके उस लाइन में टीचिंग लाइन में ही तो मतलब मैं इस लाइन को ज्वाइन करने के बाद भी तो टीचिंग में पढ़ा ही सकता हूँ सर टीचिंग में पढ़ा सकते हैं और आपके पास तो अब एक बहुत बड़ा वो जो है मतलब एक्सपीरियंस भी हो गया वहाँ से वहाँ तक जिसे एमटेक किए फिर पीएचडी किए और बहुत परीक्षाओं को आप दिए झारखंड दिए बिहार दिए बीपीएससी दिए ठीक है तो आप तो टीचिंग लाइन के लिए एकदम मतलब अब तप रहे हैं अब तो लेकिन कभी लगता नहीं है कि उधर जो जिसमें इतना समय दिए अभी ऐसा कुछ तो मेरे दिमाग मैंने अब इंटर्न कभी लेने का नहीं उम्मीद है नहीं, सर मैं पीएचडी के ऑलमोस्ट कंप्लीशन फेज में ही हूँ तो मैं लकी रहा हूँ कि मतलब मेरी जॉब भी लग गई और ऑलमोस्ट पीएचडी भी कंप्लीट होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल सबमिट कर दिए हैं क्या थीसिस नहीं सर अभी नहीं दिया हूँ कुछ महीने में मैं कर दूंगा अच्छा अच्छा बड़ा अच्छा रहा आपका कैसे कैसे आपने तैयारी शुरू किया बहुत बढ़िया लगा कि आप लॉकडाउन का कितना बढ़िया फायदा उठाए और जैसे लगता है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार है और आपका दोनों तरफ काम फिट होता जा रहा है इधर भी पीएचडी में भी फिट होता जा रहा है इधर आप सिविल सर्विसेज के लिए भी मतलब तैयार होते जा रहे हैं वो लॉकडाउन लगना भी कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा हुआ लेकिन फिर भी परीक्षा तो परीक्षा है सबके लिए जैसा होता है वैसा आपने भी किया और आपने भी जो रणनीति बनाई तैयारी की वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि एकदम ऐसा ही रणनीति होना चाहिए जो नए छात्र हैं जो बिल्कुल बीपीएससी की तैयारी में उतरना चाहते हैं
उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए? सर मैं मतलब जो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने भी अपनी शुरुआत तो स्क्रैच से ही किया है, तो शॉर्टकट ना अपनाएं। मतलब पहले सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कंप्लीट करें, और मतलब कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अभी जस्ट ग्रेजुएशन से पास किए हैं, आपके पास एम्पल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, तो क्यों नहीं एक बार एक डेढ़ साल की एकदम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। डीप में जा करके प्रिपरेशन कर ले, हर सब्जेक्ट्स को दो तीन बार रिवाइज कर ले, तब डेढ़ साल बाद आप खुद ही पीटी में कॉन्फिडेंस फील करने लगेंगे। जी जी। और उसके बाद फिर तो आपको तुरंत अपनी तैयारी को मेंस ओरिएंटेड कर लेनी चाहिए। यहाँ क्या होता है ना, नए बच्चे आते हैं तो सोचते हैं कि छवे महीना में हम सब करके तुरंत निकाल लें, तो लेकिन और इसी के फेर में वो क्या होते हैं, उनके साथ दूसरे कोई बच्चे बोलते हैं कि नहीं तुम ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो पढ़ लो, जबकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बिल्कुल, एक दिन में रोम नहीं, चाहे बहुत ये कहा गया है कि माली सींचे सौ गढ़ा, है ना, ऋतुआए फल होए, ऋतुआए फल, है ना। तो ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो आप उनको बताइए कि कैसे, मतलब उनको शुरुआत करनी चाहिए, कैसे ये समझना चाहिए कि नहीं हमको बेसिक पूरा तैयार कर लेना है। जब फाउंडेशन मजबूत रहेगा तो महल अच्छा बनेगा। बिल्कुल। तो आप उनको बताइए क्या बताना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ सर कि मतलब पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर लें, मतलब पूरा जब भी आप एग्जाम देने वाले हैं, मान लीजिए 70 का देने वाले हैं, 69 तो पास में ही है, तो मतलब पूरे सारा सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़े, ये नहीं कि मतलब कुछ भी चीज़ छोड़ के जाएं, क्योंकि ये पीसीएस का तैयारी है, इसमें मतलब हर सब्जेक्ट्स का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, किसी एक का ज़्यादा या किसी दूसरे का कम नहीं हो सकता है। मतलब आपको हिस्ट्री पे भी उतना ही वर्क हार्ड करना है, करंट पे भी उतना ही इक्वल अमाउंट देना है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी सब पे सेम आपको एफर्ट लगाना है, तभी मतलब आप मतलब इस पोस्ट के लिए आप यू आर एलिजिबल, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होगा फ्यूचर में भी। तो इसीलिए जब तक ये मेरे हिसाब से तो ये लोग सिलेबस इसी तरीके से डिजाइन ही करते हैं ताकि मतलब लोगों का पेशेंस टेस्ट हो और वो तैयार हों फ्यूचर में हाइयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। अच्छा आदित्य जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आप भी तो स्टार्ट ही किए, बिगनर ही आप थे बिगनर से, और वो भी बिल्कुल चेंज आपने किया, दूसरे स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में एक तरफ आए आप, बिल्कुल अलग तरह से आए। तो आपको जैसे थोड़ा सा आप अपना अनुभव, नए जो बच्चे हैं जो बिगनर्स हैं उनको आप बताएं कि वो कैसे शुरुआत करें, एकदम बिल्कुल मतलब ABCD से उनको क्या करना चाहिए, है ना। तो सर मैं यही बोल रहा हूँ कि मतलब बिगनर्स को कोई मतलब ये जो एग्ज़ाम है इस काफ़ी पेशेंस डिमांड करता है, काफ़ी पेशेंस ये रिक्वायर करता है। तो ये अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी BPSC UPPCS JPSC कोई से भी PCS की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना पहले फाउंडेशन को बिल्डअप करिए। मतलब पूरे सब्जेक्ट्स पे आपका इक्वल कमांड होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट पे लेस एफर्ट या किसी पे ज़्यादा एफर्ट ऐसे नहीं देना है, सबको इक्वली आपको पढ़ाई करनी है, तब जा करके आप पूरी तरह से अपने आप को एक से डेढ़ साल के बाद फील करेंगे कि आपका आप में कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप हो जाएगा। तब उसके बाद फिर जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि आपके आंसर्स काफ़ी टू द पॉइंट हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से ही अगर आप आंसर राइटिंग करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि आप नहीं जज कर पाएंगे कि आपके आंसर्स कैसे जा रहे हैं। वो क्वेश्चन में जो डिमांड करता है उसी को टू द पॉइंट आंसर्स लिखना चाहिए, मतलब जैसे तैसे बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए अगर एक से डेढ़ साल की अगर आपने अपनी फाउंडेशन को अच्छी स्ट्रांग कर ली है, तो उसके बाद आपका फिर मतलब पीटी मोड तो तैयार हो ही। मेरा ये कहना है कि जो है शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें, शॉर्टकट नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शॉर्टकट सोचते हैं कि अभी अभी आए उतरे और अभी तुरंत जो है 6 महीने में हमारी तैयारी पूरी हो जाए। 6 महीने में कैसे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी? कहा गया है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रोम थोड़े बना है कि आपके आपके जो है 6 महीने में या 4 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये आदित्य जी बहुत अच्छा कह रहे हैं, आप लोग को समझना चाहिए कि
किसी भी चीज को करने के लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा। आप कम से कम जो है 1.5 साल, या मैं तो कहता हूं कि पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छा आदित्य जी ने बताया कि आप आ करके और एंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने लगेंगे। कैसे आप एंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे? आपके पास एंसर राइटिंग के लिए पूरे मटेरियल्स होने चाहिए। आपके पास एंसर राइटिंग का प्रैक्टिस तब होगा जब आपके पास पूरी सूचनाएं होंगी। तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए और उसके बाद तब क्या आदित्य, उसको पढ़ करके तैयार करके तब जो है आप एंसर राइटिंग में आइए। तो मैंने अभी देखा इंटरव्यू यूपीपीसीएस में, जो टॉपर हमारे अनएकेडमी से ही टॉपर हुई हैं दिव्या सिकरवार, तो उन्होंने भी कहा कि 1.5 से 2 साल जो है वो पहले तैयारी किए, उसके बाद जा करके तो परीक्षाओं में कुछ दिखा। तो आप लोग को मैं आदित्य जी से ये बताना चाहता हूं आप लोग को भी कि कभी भी शॉर्टकट के फेर में मत पड़िए। और आप जैसे हम लोगों की बात हो रही थी तो मैंने इनको बताया कि बुनियाद जितनी मजबूत होगी महल उतना ही ऊंचा जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप कितना समय मानते हैं कि कम से कम कितना समय पीसीएस के लिए होना चाहिए? सर अब जैसे वो तो इंडिविजुअल की कैपेसिटी, नहीं नहीं मत, हाँ इंडिविजुअल कैपेसिटी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उनका ये कैसे है, लेकिन एक मिनिमम 1.5 साल या 2 साल जिसने जिसका बैकग्राउंड ही अलग है। अब जैसे कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स जो है आर्ट सब्जेक्ट्स आर्ट्स, और एक साइंस है इंजीनियरिंग है, तो दोनों के में ड्रास्टिक अंतर है, क्योंकि आर्ट्स वाले तो ऑलरेडी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ के आते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो उन्हें थोड़ा इजी फील होगा। लेकिन जो एकदम स्क्रैच से ही जो स्टार्ट कर रहा है उसको, तो उसके लिए सर 1 ईयर मेरे हिसाब से तो उससे लगेगा ही लगेगा। कम से कम मिनिमम 1 ईयर तो लगना ही है, क्योंकि पूरे अब अगर हिस्ट्री को ही देखे तो हिस्ट्री इज नॉट ओनली हिस्ट्री, वो एंशियंट मिडिवल मॉडर्न तीन है, ज्योग्राफी में कुछ कुछ वर्ल्ड भी, एग्जैक्टली वर्ल्ड भी है, फिर ज्योग्राफी में भी फिजिकल इंडियन वर्ल्ड तीन ज्योग्राफी है, तो एक सब्जेक्ट नहीं है तो तीन अलग अलग सब्जेक्ट है, तो टोटल अगर देखे तो काफी बड़ा सिलेबस है पूरा पीसीएस सब चीज का। चाहे लक्ष्मीकांत का देखे, इतना मोटा बुक है, बिल्कुल लक्ष्मीकांत का अपने आप में महासागर है जी सर, ना? तो मतलब आप ये मान के चलते हैं कि कोई किसी भी बैकग्राउंड का मिनिमम 1 साल तो, और अगर थोड़ा सा किसी का बैकग्राउंड कमजोर है, बहुत सारा ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि ग्रेजुएशन तक बहुत ऐसे रहे, है ना, चाहे इंटर और तक। सर मैं अपनी असफलता के जो रीजंस हैं उसको मैं ये भी चाहूंगा कि मतलब जो बिगनर्स हैं वो ये जाने कि मतलब अगर आप एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ उसी को दें, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी में फुल्ली फोकस हो जाए, अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो, ये नहीं कि फिर आप एसएससी को भी दे रहे हैं, बैंक भी दे रहे हैं, अगर वैसे करेंगे तो फिर क्योंकि पढ़ाई भी दे रहे हैं, वो सब एग्जाम्स के अलग अलग डिमांड, बिल्कुल बिल्कुल, उनका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, कंसंट्रेशन थोड़ा चेंज होगा, एग्जैक्टली सर। जब कंसंट्रेशन चेंज, चूंकि बीपीएससी जो है सिविल सर्विसेज, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम माना जाता है, चाहे यूपीएससी माना जाता है, और ये चाहिए इसमें पूरा डिवोशन चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, और अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर जाते हैं तो फिर सफलता संदिग्ध हो जाएगी। अच्छा, एक बिगनर्स को सबसे पहले बुक्स में एनसीईआरटी सारा ले लेना चाहिए। सर एनसीईआरटी तो काफी हेल्प करता है, मतलब जिसे एनसीईआरटी का लैंग्वेज अगर समझ में आ रहा है तब उसे और जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं उसको समझना आसान पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही बेसिक वे में लिखा रहता है, तो उसमें उसको समझना इजी है, तो इसीलिए पहले तो शुरुआत तो एनसीईआरटी से ही होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में काफी डेप्थ में बातें लिखी रहती हैं, तो वो एक स्टोरी बिल्डअप कर पाना थोड़ा। एनसीईआरटी क्या लेना चाहिए, 11th 12th लेना चाहिए कि 6th टू 12th लेना? सर वो मैं मेरे हिसाब से तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल वो बिल्कुल। अगर ज्योग्राफी है तो उसका डिमांड 11th 12th से ही कंप्लीट हो, बिल्कुल हमको लगता है हिस्ट्री 9th 10th 11th 12th उसका भी, क्योंकि 10th में अलग होता है, 11th में जो है अलग होता है, मेडिवल होता है, और 12th में मॉडर्न होता है, तो वो अलग-अलग वो क्लासेस लेना ही पड़ेगा। हां हां बिल्कुल, और पॉलिटिक्स, लेकिन 6 से हमको नहीं लगता, 6 से नहीं सर, उतना भी जाना आपका जो आप वहां से पढ़ करके आए हैं, बहुत एक भेड़ चाल है,
बिल्कुल है ना। और दूसरा चीज मेरा जो मानना है स्टूडेंट्स, चाहे आप आदित्य जी भी बताएंगे, कि ओरिजिनल बुक लेना चाहिए। अगर कोई बुक कंपाइल करके 6 से 12 तक एक में कर रहा है तो वो एनसीईआरटी का जो ओरिजिनल बुक का जो कंसेप्ट है वो डेवलप नहीं है। बिल्कुल क्या? यस सर। आप कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। एनसीईआरटी में के बुक्स में डिफरेंट एग्जांपल्स दिए रहते हैं, डिफरेंट, और वो समझाने का तरीका उनका काफी अच्छा है। हाँ। तो वो मतलब किसी का भी फाउंडेशन तैयार उसी बुक से होगा, उसी बुक से होता क्योंकि हमने स्कूलिंग ही एनसीईआरटी पढ़ के किया है, तो फाउंडेशन नहीं। तो इसी पर मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आपसे ये सलाह लेना चाहता हूँ। मैं भी जहां तक मेरा हो सकता है, मैं सही नहीं हूँ चाहे, और मेरा मानना ये है कि अगर कोई बुक 6 to 12 एक में करके आता है वो एडिट करके, वो लेना चाहिए कि एनसीईआरटी का ओरिजिनल 9, 10, 11, 12 लेना चाहिए। एक्चुअली मैं तो सर रेकमेंड करूंगा कि ओरिजिनल ही लेना चाहिए, कहे कि मैं भी उसी का समर्थक हूँ। बिल्कुल सर, कि ओरिजिनल बुक लेना चाहिए। जैसे कुछ लेखक बुक आता है ना सर, काफी मोटी किताबें देख के और डर लगता है, माइंड में ही फियर हो जाता है। एनसीईआरटी का जो अलग अलग लीजिएगा, पति पति बुक आती है ना, देखने से अच्छा रहता है, पढ़ने में भी ठीक लगता है। वो बुक खत्म कर दिए फिर दूसरे में तो लगता है कि आप कुछ काम किए, नहीं नॉवेल की तरह वो पढ़ नॉवेल की तरह बस पढ़ना है, फास्ट पढ़ने से मतलब ठीक रहता है। अच्छा, एक बिगिनर्स को एनसीईआरटी का बुक ले लिया, कम से कम प्रतिदिन कितना पढ़ना चाहिए? सर मैं रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप तैयारी करें, स्टार्ट करें, तो पैरेलली दो सब्जेक्ट्स पढ़ें। मतलब है तो काफी सारे सब्जेक्ट्स, तो कंप्लीट तो सबको करना है विदिन टाइम, तो एक साथ मेरे हिसाब से दो सब्जेक्ट्स ले लेना चाहिए। हाँ, हाँ। अगर किसी को पॉलिटी से स्टार्ट करना है तो पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी कर ले, हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स कर ले। तो ऐसे पैरेलली दो सब्जेक्ट्स को अगर स्टार्ट करेंगे पढ़ाई बुक से या वीडियो लेक्चर से, तो तब जाके विद इन टाइम हो जाए। दो दो सब्जेक्ट तैयार होता चला जाए, यस दो दो सब्जेक्ट तैयार होता चला जाए, तो कितना घंटा पढ़ना चाहिए पर डे? सर ये भी सर मैं मानता हूँ इंडिविजुअल की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं लॉकडाउन के फेज का बात बताऊं तो मैं 8 to 10 hours दे देता था, तो उस समय तो कुछ निकलना ही नहीं था, घर में रहना ही था। लेकिन अब जैसे मैं अभी कॉलेज में हूं तो अब मैं 4 to 5 hours से ज्यादा नहीं दे पाता हूं, वो भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, थोड़ा कम ही हो जाता है। नहीं नहीं, आप तो मान लीजिए कॉलेज कर रहे हैं, एक स्टूडेंट जो है उसका कॉलेज पूरा हो गया है, वो बीपीएससी की तैयारी करना चाहता है, बीपीएससी की तैयारी में वो आना चाहता है, तो बहुत सारे बच्चे हम लोग से भी पूछते रहते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए एक स्टूडेंट, आपको क्या लगता है? एक सामान्य लड़का समझ लीजिए कि वो सामान्य है, न ज्यादे वो नीचे है न ज्यादे ऊपर है, एकदम मीडियम लड़का है सर, उसको क्या पढ़ना चाहिए? अगर वो अभी फिलहाल अगर वो वर्किंग नहीं है, वर्किंग नहीं वो स्टूडेंट ही है, वो स्टूडेंट है, तो उसे तो सर 8 to 10 hours सर दे देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो देना ही चाहिए। 24 घंटा है, 24 घंटा में, क्योंकि अगर अनअकैडमी पे भी अगर क्लासेस करते हैं तो अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिट करता है, ना कि रिकॉर्डेड, क्योंकि रिकॉर्डेड पाइल अप होता रहेगा, हम चाहेंगे कि अगले दिन देख लें, पर किसी ना किसी रीजन से वो टाला भी जा सकता है। लाइव क्लासेस अगर करेंगे तो वो मतलब ज्यादा फ्रूटफुल होगा, तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि वो लाइव क्लासेस देखेंगे तो एक दिन में तो कई क्लासेस होंगी, तो अगर वो सीटिंग कैपेसिटी उसी से डेवलप होगा सर, ये अगर हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं फिर अगला क्लास ज्योग्राफी का होने वाला है, तो बैक टू बैक क्लासेस और बोरिंग भी नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस भी चेंज हो रहे हैं। अच्छा, उसमें आप वो इंटरेक्ट हो रहे हैं एजुकेटर से? यस सर, एग्जैक्टली, मतलब इंटरेक्शन भी साथ में चल रहा है, कोई चीज अगर कहीं डाउट है तुरंत पूछ ले रहे हैं, डाउट भी प्रॉब्लम, और डाउट तुरंत जो है एजुकेटर आपको जो है बताते चलते हैं। yes. बहुत सारा ऐसा चीज है, आप कुछ अलग सोचते हैं, एजुकेटर कुछ अलग बता रहे हैं, वहां डाउट हो गया तुरंत क्लियर हो जाता है। yes. तो लाइफ तो है ही, वो तो वो वहां पर रिकॉर्डेड तो ये है ना, कि अगर किसी कारणवश हमारा छूट गया, चाहे रिकॉर्डेड में एक और फायदा है कि अगर हम आए हैं लेट से, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिए हैं और हमको चाहिए कि कुछ हम और सब्जेक्ट ऐसे पढ़ लें रिकॉर्डेड में और सब्जेक्ट हम लाइव में पढ़ लें, तो थोड़ा जल्दी। सर रिकॉर्डेड में मानता हूँ जो कि जॉब में है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए रिकॉर्डेड बहुत अच्छा है, उन्हें टाइम नहीं मिलता है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हम लोग दिन भर अपने जॉब के बाद शाम में अगर वो तैयारी कर रहे हैं, मोटिवेटेड हैं तैयारी करने के लिए, तो उनके लिए रिकॉर्डेड बहुत सैटरडे संडे के लाइव क्लास में वो आते हैं कि सर हम रिकॉर्डेड देखते हैं, हमारा ये डाउट है, क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जो अभी स्टूडेंट लाइफ में उन्हें तो सर पूरा लाइव देखना चाहिए और 8 to 10 hours उन्हें देना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मतलब
एग्जाम है जो कि इतना मेहनत तो मानता ही मांगता है मेरे हिसाब से। अच्छा, आदित्य आनंद सेट प्रैक्टिस भी किया क्या? मतलब जीएस का मॉक टेस्ट? हाँ, मॉक टेस्ट। हाँ सर, मैंने दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं। कहाँ सर? अनअकैडमी पे भी दिए हैं। अनअकैडमी पर तो चलता ही था। मार्केट से ऑफलाइन भी मैंने खरीद के दिए। अच्छा, ऑफलाइन भी। वो कहाँ तक फायदा करता है सर? मॉक्स तो लगाना बहुत जरूरी है, पीटी के लिए तो बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज्यादा, मतलब जैसे 150 क्वेश्चंस हैं 2 आवर्स में, तो बिना उसकी प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं है। प्लस आपको फिल भी करना है ओएमआर, तो 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस, ऑब्वियसली वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज्यादा वहां पे एग्जाम में रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, मेरा कोई मॉक टेस्ट दिए हैं आप? राज तिलक एक आता है सर, आपका राज तिलक मैंने दिया है, मतलब आपके स्पेशल क्लासेस में करता हूं। अब तो मेरा अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन एक्चुअली खत्म हो गया। नहीं नहीं, कॉपी दिए हैं। दिया हूं सर मैंने। कैसा रहता है सर? बहुत अच्छा लगता है सर। मतलब आपका सर एक्चुअली एक तो आपके बोलने का अंदाज जो है और जो आपके आवाज में जो मतलब वो है, मतलब बहुत अच्छा लगता है सर, खुद ही मोटिवेशन फील हो जाता है। तो दो तीन चीज बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने दो तीन चीज बहुत अच्छा न्यू बिगिनर्स को दिया। एक तो आपको जो है वो एनसीईआरटी का बुक ले लेना चाहिए। दूसरा, शॉर्टकट नहीं है, डेढ़ साल, एक से डेढ़ साल मिनिमम आप समझिए कि हम पहले केवल और केवल पढ़ाई कर लें। एक कोई कोई कर सकता है, कोई कोई तो ऐसा है कि 6 महीना में भी कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन जनरली डेढ़ साल, एक से डेढ़ साल मान के चलिए, जैसा कि आदित्य आनंद जी ने बताया, मिनिमम उतना मान के चलिए, बुनियाद अपना ठीक कीजिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि आपके पास अगर आप केवल तैयारी के लिए हैं, आप एज ए स्टूडेंट अगर रह रहे हैं, तो आपको जो है 10 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। आपको 24 घंटा समय मिलता है और 24 घंटा में आप 10 घंटा जिस काम के लिए हैं उसी काम के लिए, सबसे पहला आपका काम तो है पढ़ाई करना, तो आपको 8 से 10 घंटा जरूर पढ़ना चाहिए। एक चीज आदित्य जी अभी याद आया, क्वांटिटी होना चाहिए कि क्वालिटी होना चाहिए? ऑब्वियसली सर, क्वालिटी होना चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट अगर 4-5 घंटे अगर एक सब्जेक्ट को दे रहा है और मतलब अच्छे से मतलब नहीं दे रहा है, मतलब वो ओनली जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि वो बैठ रहा है, वो उतना दिख रहा है कि वो किताब लिए हुए दिख रहा है और साथ में चैटिंग भी कर रहा है तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा फायदा नहीं देगा। बशर्ते मतलब ये कि मतलब कोई स्टूडेंट 2 घंटा कोई सब्जेक्ट दे रहा है और पूरे डिवोशन के साथ दे रहा है, तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वही मतलब क्वालिटी बेस्ड होना, क्वालिटी बेस्ड होना, क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। तो फिर ये जो है तैयारी करेगा, उसके बाद मॉक टेस्ट इसको देना चाहिए, है ना? और निश्चित ही सफलता, और जैसा कि आप तो माने हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सामने है हमारे आदित्य जी। तो ये जो हम लोग अभी बात किए न्यू बिगिनर्स के लिए, जो बच्चे बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हम देखे हैं, उनकी तैयारी अच्छी रहती है, परीक्षा में जाते हैं तो घबरा जाते हैं, यानी कॉन्फिडेंस के कारण, और वो निराश होने लगते हैं कि नहीं। उनके लिए आप क्या सर्विस देते हैं? तो मेरे हिसाब से तो मतलब आप भी तो कभी बोले कि घबराए थे। बिल्कुल सर। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ निराश होने वाली बात नहीं है। मतलब उस समय तो ऑब्वियसली एग्जाम सेंटर के बाहर तो लगेगा ही कि हाँ पेपर अगर अच्छा नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो लो फील होगा ही, लेकिन फिर मेरे हिसाब से अगर आप डिटरमिन होना चाहिए, विल पावर होना ही चाहिए किसी में, अगर इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो अंदर से तो इच्छा शक्ति बढ़ानी ही पड़ेगी सबको। तो अगले दिन से ही मेरे हिसाब से 2-3 दिन का आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप फिर से लगिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर जब तक हम लोग कर्म नहीं करेंगे तब तक तो बिल्कुल बिल्कुल अब कुछ सोचिए मत, जब तक सफलता न मिल जाए तब तक एकदम लगे रहना, एकदम मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो है ना एकदम जारी रहनी चाहिए। एकदम वही मैं समझता हूँ कि जैसे सक्सेस का, सफलता का कोई मतलब वो नहीं है, उससे खुशी नहीं होती है और असफलता घातक नहीं होती है। हाँ, जो ये निरंतरता का जो फेज है ना, कंटिन्यूटी का, ये मायने रखता है। बहुत बढ़िया। और दूसरा चीज बड़ा अच्छा लगा इनका, जो है आदित्य आनंद जी का, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि
कभी निराश होते थे तो खुद को ही मोटिवेट कर लेते थे। तो कभी भी आपको जो है इतना होना चाहिए, आप जब ग्रेजुएट हैं, आप मैच्योर्ड हैं, आपको समझना चाहिए कि आपके पास पाने के लिए सारा जहान है, होने के लिए क्या है। जहां आप हैं, जो जमीन पर है ना, वो कहां गिरेगा, ठीक है, लेकिन पाने के लिए सारा आसमान है। आप जो है छात्रों को क्या फाइनल, जब वो एकदम बिल्कुल निकालने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब जैसे कुछ लोग मतलब सफल होने के लिए सपने देखते हैं, और कुछ लोग सपनों को पूरा करने के लिए नींद चैन सब त्याग देते हैं। बहुत बढ़िया, तो आप डिसाइड करिए। बहुत बढ़िया। आदित्य जी, हम लोग बहुत सारी बातें किए और बड़ा अच्छा आपने जो है वो दिया, और बहुत अच्छा आपसे जो लर्नर्स हैं उनको बहुत, आपके इस इंटरव्यू से बहुत उनको सहायता मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आप जुड़े अनएकेडमी के साथ, तो अनएकेडमी कहां तक जो है वो सहयोगी है सफलता? सर मैं तो अनएकेडमी को पूरी तरह से क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने यही एक प्लेटफॉर्म माध्यम से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, और मैंने मतलब, और मेरी उस समय बुक रीडिंग की उतनी हैबिट नहीं थी, तो मुझ जैसे स्टूडेंट के लिए अनएकेडमी ने बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स से जब मैंने सुनता था तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। अगर मैं डायरेक्टली बुक रीडिंग पे उतर जाता तो मुझे एक्चुअली वो स्कूल टाइम की पढ़ी हुई चीज़ें बोरिंग लगती, लेकिन अनएकेडमी के माध्यम से जब मैंने वीडियो लेक्चर्स देखने लगे तो मुझे उसमें और इंटरेस्ट आने लगा, और मैं सोचा कि एक नहीं दो नहीं, मैं लगातार बिंज वॉचिंग भी करता था कभी कभी, तो मतलब जैसे कोई सब्जेक्ट ले लिया उसके मैंने लगातार 5-6 वीडियोस देख डाले। तो इस तरीके से मैं मतलब अनएकेडमी को कहूँगा कि मतलब काफ़ी इन्होंने मतलब अनएकेडमी के माध्यम से ही मतलब आज मेरे सफलता का इससे श्रेय। हाँ, आप तो लॉकडाउन में तैयारी शुरू की है, तैयारी और उसके बाद जो है आप कुछ खास करके SST वाले विषय तो आप पढ़े नहीं थे, आपका साइंस बैकग्राउंड था, लेकिन एक तरह से कहें तो BPSC की पूरी बेसिक तैयारी है ना, आप तो अनएकेडमी से ही शुरू किए। अनएकेडमी में क्या आपको अच्छा लगता है? सर मतलब कि दे अलाउ अस टू मेक चॉइसेस, मतलब हमें जो इतनी चॉइस मिल रही है कि मतलब कोई भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो ये जो चॉइस जो अनएकेडमी के थ्रू मिलता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो ऑफलाइन, यस ऑनलाइन, ये ऑनलाइन में क्या फायदे हैं और ऑफलाइन में क्या फायदे? सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में मतलब मैं एक डिफरेंस ये समझता हूँ कि जो ऑनलाइन में पढ़ते हैं उन्हें थोड़ा मोटिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ने का भी एडवांटेज है ये है कि वो क्लासरूम में एक्चुअली जब अगल बगल जो माहौल होता है वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्शन, ग्रुप स्टडी प्लस एक दूसरे से हायर आगे आने का जो होड़ लगा रहता है वो ऑफलाइन अच्छा प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट। और उसमें ये भी चीज अच्छी होती है कि मतलब ऑफलाइन में पढ़ के आप क्लासेस में अगर नहीं आएंगे तो आपको क्लासेस अटेंड करना ही पड़ेगा, और ऑनलाइन में ये बात है कि मतलब अगर रिकॉर्डेड के पीछे अगर लगे रहेंगे तो थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि मतलब अगर इंसान खुद में उसके अंदर विल पावर है तो वो ऑनलाइन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। अच्छा, ऑफलाइन में एक बढ़िया है, दोनों बढ़िया। ऑफलाइन में एक ये भी रहता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि डीमोटिवेट भी एक आध बच्चे करते हैं, ऑनलाइन में तो ये नहीं, अकेले पढ़ना है, अकेले पढ़ना है, अकेले जो है, अगर आप मैच्योर्ड हैं तो आप अपने को उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम की तैयारी करने तो ऑब्वियसली मैच्योर। अच्छा, इसमें एक और है कि आप रिमोट एरियाज में भी रह के बहुत अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं। हाँ सर, ये नहीं, तो काफी आप अच्छा जैसे मान लीजिए कि आप गया में हैं और बेस्ट टीचर से अनएकेडमी के जो है आप गया में लेक्चर ले सकते हैं, बनारस में ले सकते हैं, ये भी कि बनारस और गया ही छोड़ दीजिए,
अगर जो गांव में है, हम लोग क्लास लेते हैं ना, बहुत सारी बच्चियां बोलती हैं सर रोटी पका रहे हैं और क्लास देख रहे हैं, है ना। तो काम करते हुए ये अनएकेडमी का जो ये एडवांटेज है ये बहुत अच्छा, मतलब आप तो इससे ये लिए। अनएकेडमी का ऐप जो है वो भी बिल्कुल ठीक है, एकदम फ्रेंडली है वो, उसमें कोई ये नहीं है। तो अनएकेडमी क्या एक न्यू बिगिनर्स के लिए सफिशियंट है? आप क्या आदित्य आनंद तो मतलब एक्स्ट्रा कुछ, आप तो भाई इंजीनियरिंग से आए थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए थे, आप भी न्यू ही बिगिनर थे, लेकिन क्या एक न्यू बिगिनर सिंपल स्टूडेंट जो है वो अनएकेडमी उसके लिए पूरी तरह से सफिशियंट है तैयारी के लिए? तो मैं ये बिल्कुल मानता हूँ सफिशियंट है, क्योंकि अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट जैसे जिस तरीके से रिवाइज हो रहा है ऐप पे, मैं देखता हूँ कि अब फाउंडेशन क्लासेस पे भी जोर हो रहा है। बहुत सारे एजुकेटर्स जो हैं वो एनसीईआरटी के क्लासेस भी लेते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब वो सारे सब्जेक्ट का फाउंडेशन पहले बिल्डअप करते हैं, फिर उसके बाद फिर वो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट जो क्लासेस होती हैं वो किया जा सकता है, प्लस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मेंस तक की पूरी 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 कंप्लीट इंटरव्यू तक की तैयारी पूरी हो रही है। हाँ, पूरी तो बिल्कुल सर, मेरे मतलब एक 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 स्टूडेंट जो है बिगनर्स है, अगर चाहे तो अनएकेडमी पर कहीं भी कभी भी रह जो है और घर से रह करके और पूरी तैयारी कर सकता है। अगर आदित्य आनंद 11th पोजीशन ला सकते हैं, है ना, तो और कोई भी ला सकता है नहीं? और आपको क्या अनएकेडमी में कमी कुछ दिखा? कमी सर तो ऐसा तो ऐसा सच कुछ नहीं मुझे, मतलब आप जो आपको चाहिए था वो सब चीज मिला। आदित्य जी, अनएकेडमी एक नए लर्नर्स के लिए कितना उपयुक्त है? सर मैं समझता हूँ कि अनएकेडमी स्टूडेंट के लिए इस लाइन के प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह से सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें जितने सारे फीचर्स हैं अनएकेडमी पे वो प्री से लेकर के इंटरव्यू लेवल तक के लिए सफिशिएंट है। मतलब कोई अगर स्टूडेंट अगर बिगनर है पूरी तरह से स्क्रैच से भी स्टार्ट करना चाहे तो भी वो कर सकता है, क्योंकि उस पर फाउंडेशन की भी क्लासेस होती हैं, प्री लेवल की तो होती ही हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मॉक टेस्ट स्पेशल क्लासेस के थ्रू आपको बहुत सारे मिलते हैं हर दिन, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फ्री क्लासेस से भी आप बहुत पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप प्लस कोर्सेस नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप गो थ्रू कर पाएंगे, प्लस मेंस एग्जाम के लिए भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस करवाए जाते हैं, टीचर्स करवा रहे हैं, सर आप तो खुद ही करवाते हैं, तो उसके बाद फिर इंटरव्यू लेवल तक भी टीचर्स आपको गाइड करेंगे। तो एक जो बच्चा जो स्टार्टिंग में बिगनर था वो इंटरव्यू लेवल तक उसका पूरा कमांड हो सकता है, तो इस तरीके से अनएकेडमी पूरी तरह से सफिशिएंट है सर मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया, और हमको लगता है कि इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐसे ही नहीं है, बिल्कुल exactly. और अनएकेडमी का सबसे बड़ा ये है कि अनएकेडमी पर बेस्ट एजुकेटर्स हैं, अनएकेडमी का बहुत ही जो क्वालिटी है यहाँ पढ़ाने का, जो क्वालिटी है यहाँ का बहुत शानदार है क्वालिटी। मैं कई जो है वो देखा हूँ यहाँ पर आने से पहले भी, चाहे यहाँ आने के बाद भी, बहुत सारे ऑनलाइन एडुटेक कंपनी या प्लेटफॉर्म को मैं देखा, लेकिन अनएकेडमी पर एक क्वालिटी के लिए हमेशा हम लोगों को ये बोला जाता है कि नहीं, हम लोग अपना क्वालिटी जो है वो बेस्ट रखेंगे। आप किसी भी क्लास में अनएकेडमी का देख सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब क्लास हो, चाहे स्पेशल क्लास हो, चाहे वो जो है प्लस क्लास हो, और सामने है, चाहे यूपी में भी हम लोगों ने रैंक 1 दिया है। कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे तो अनएकेडमी से जुड़ करके अपनी पूरी तैयारी कर सकता है, और इधर उधर का जो मतलब कोचिंग है उससे ज़्यादा जो है आपको ये बेटर बल्कि बेस्ट होगा कि आप एक संस्थागत रूप से जुड़ करके और इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर सकते हैं। आपके सामने जो है आदित्य आनंद जी हैं। आदित्य जी, लास्ट में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? सर मेरे प्रेरणा स्रोत एपीजे अब्दुल कलाम है। बहुत बढ़िया, एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुस्तक आपको अच्छी लगती है? सर उनकी तो पढ़े हैं,
पढ़ा नहीं हूँ सर फ्रैंकली स्पीकिंग, पर उनके मैं मोटिवेशनल जो कोट्स बोल के गए हैं ना वो मैं देखता रहता हूँ। आदित्य आनंद की कमजोरी क्या है? सर मेरी कमजोरी सर है कि मतलब मैं इमोशनल ज्यादा हूँ। तो इमोशनल कमजोरी थोड़े वो तो गुण है। यस सर, तो मैं मतलब उसको एज अ मतलब वीकनेस के तौर पे देखता हूँ। आदित्य आनंद का जो है मजबूत पक्ष क्या है? सब पेशेंस बहुत है मेरे। वाह क्या बात है। और पेशेंस कहा गया ना कि सभी समस्याओं का निदान पेशेंस है। सभी समस्याओं का निदान पेशेंस। आदित्य आनंद का अपने घर में प्रेरणादायक व्यक्तित्व कौन है? सर मेरे मम्मी पापा दोनों हैं सर। बहुत बढ़िया। यस बहुत बढ़िया। भारत के जो जितने नेता हैं, जितने माने लीडरशिप हैं या रहे हैं, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे अभी हो, चाहे जो भी हो, गांधी जी से लेकर के अभी तक, महात्मा गांधी जी से लेकर के अभी तक, सबसे अच्छा नेता आपको कौन लगता है? सर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे लगते हैं सर। यस बहुत। आगे आपको क्या करना है? सर आगे मैं बस यही इसी लाइन में आगे जाना चाहूंगा। इसी लाइन में आगे जाना चाहेंगे और मैं उम्मीद मतलब बिहार का मैं सेवा अच्छे से करने चाहता हूँ। बिल्कुल। और आप उसमें उपयोग कर सकते हैं आपका जो है ना। यस सर। नॉलेज जो आपका है यहाँ, आप कहीं भी प्रशासनिक सेवा में अगर जाते हैं, ये ऐसा फील्ड है ना प्रशासनिक सेवा, इसमें आप किसी भी सेक्टर से हैं आप पूरी तरह से अपना 100% दे सकते हैं। और ये एक तरह से अगर देखें हम तो ये राष्ट्र सेवा है। जी सर। प्रशासनिक सेवा हर कोई अपने अपने जगह पर सेवा कर रहा है। एक रेलवे में अगर व्यक्ति है तो वो भी राष्ट्र सेवा कर रहा है, हर कोई है। लेकिन यहाँ जो है आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी कि लोगों का, गरीबों का ये करना। तो क्या हम उम्मीद करें कि आदित्य अगली बार SDM या DYSP के रूप में खाना हमको मौका देंगे क्या? सर, पूरी कोशिश रहेगी। और मैं आपको जो है एकदम शुभकामना पहले से देता हूँ। और मेरी बेस्ट विशेष है कि मैं और आपका इंटरव्यू मैं ही लूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है ना, एकदम जो है हमारा बेस्ट विशेष है आपको कि आप इसी तरह जो है आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। थैंक यू सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।